लालची कुत्ता। एक दिन एक जंगल में एक कुत्ता हुआ करता था। अपने भोजन के लिए वो सारा जंगल ढूंढता रहता था। ढूंढ ढूंढ कर वो थक गया। पता नहीं मेरी किस्मत में आज भोजन करना लिखा भी है या नहीं। मेरे इतना ढूंढने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला और कितने दिन भूखा रहूं। कुत्ता उदास हो गया। इतने में उसकी नजर एक मांस के टुकड़े पर पड़ी। वो जल्द ही उसके पास आ पहुंचा। आहा! कितने दिनों बाद खाना मिला है, वो भी मेरा मन पसंद। मैं अगर इसे यहाँ खाऊंगा तो दूसरा कोई इसे मुझसे छीन लेगा, इसलिए मैं इसे घर जाकर खाऊंगा बिना डरे, फिर आराम करूंगा। वो उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में पकड़कर घर की ओर चले गया। रास्ते में उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। वो उसकी ओर पलटकर देखने लगा। अरे मैं तो मर ही गया, अगर इसने मुझे इस मांस के साथ देख लिया ना तो ये मांस के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। वो तुरंत झाड़ के पीछे छुप गया। शेर ने उसे नहीं देखा और वो आगे चला गया। जैसे ही वो शेर वहाँ से चला गया, वो बाहर आया और वहाँ से भाग निकला। उसके घर जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी। वो रोज उस नदी पे एक चकला हुआ करता था जिसपे चल के जाता था। इस दिन भी वो चकले पर चल के जा रहा था। तब उसकी नजर एक पानी में पड़े कुत्ते पे गई। तब उसकी नजर पानी में पड़ी। उसने देखा कि उसमें एक कुत्ता की परछाई थी। वो उसी की परछाई थी। उसने सोचा कि वो दूसरा कुत्ता नदी में है जिसके पास भी एक मांस का टुकड़ा है। अरे इसके पास भी एक बड़ा मांस का टुकड़ा है, मैं इसे डरा दूंगा तो ये मांस को छोड़कर भाग जाएगा। दोनों मांस के टुकड़े मैं अपने घर ले जाकर आराम से खाऊंगा। 2 दिन तक भोजन की चिंता ही नहीं, मैं भोग कर इसे डरा सकता हूँ। वो डराने की मंशा से पानी में अपनी परछाई को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वो मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया और बह गया। अरे वो दूसरे मांस का टुकड़े के लालच में मैंने अपने मांस का टुकड़ा भी खो दिया। सच में आज तो भूखा ही रहना होगा। वो बहुत पछताने लगा और जब वो पानी में देखने लगा, तब उसे सच मालूम हुआ कि वो दूसरा कुत्ता नहीं था बल्कि उसी की परछाई थी। वो सोचने लगा कि अगर वो लालच ना करता तो उसके पास उसका मांस का टुकड़ा होता और वो घर जाकर उसे खा सकता था। फिर से वो अपने भोजन की तलाश में निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है।